हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेज एज यू नो दैट वी आर रनिंगट सी एन अ प्लेटफॉर्म फॉर नेट एंड सेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एग्जाम एंड द टॉपिक फॉर टूडेज डिस्कशन इज थियोरीज ऑफ रिटेलिंग इसके अलावा हमारे और भी कोर्सेज हैं पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए जो है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज जिसमें हमारे पास थर्टी फाइव हंड्रेड प्लस एम सी क्यूज हैं प्रैक्टिकल फुल्बो इसके अलावा डॉट को डॉट www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है सो वॉट इज रिटेलिंग रिटेलिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है जो उन सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है जो गुड्स और सर्विसेस को डिरेक्टली उनके फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए जरूरी है इस प्रोसेस में हम गुड्स और सर्विसेज को उन एंड यूजर्स तक पहुंचाते हैं जो उन्हें एक्चुअली कंज्यूम करने वाले हैं कोई भी बिजनेस एंटिटी जो गुड्स को सेल करके उन्हें उनके एंड यूजर तक पहुंचाती है इज सेड टू बी एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ रिटेलिंग अब चाहे वो रिटेलर होल सेलर हो या फिर खुद मैन्युफैक्चरर जनरली जो रिटेलर्स होते हैं वो अपने पास स्टॉक को स्मॉल क्वांटिटीज में मेंटेन करते हैं एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरर्स एंड होल ये कंज्यूमर्स के साथ भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं जिससे मैन्युफैक्चरर्स को गुड्स के फाइनल कंज्यूमर का फीडबैक मिल जाता है और वो एंड यूजर तक गुड्स को पहुंचाने के बोर्डन से फ्री हो जाते हैं और अपने प्रोडक्शन प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द थ्योरीज ऑफ रिटेलिंग आगे आने वाली स्लाइड्स में हम साइक्लिकल थ्योरी और इवोल्यूशनरी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे साइक्लिकल थ्योरीज के अंडर हम पढ़ेंगे व्हील ऑफ रिटेलिंग एंड अकॉर्डियन थ्योरी इवोल्यूशनरी थियोरीज के अंदर हम पढ़ेंगे डायलेक्टिक प्रोसेस एंड नैचुरल सिलेक्शन सो नाउ वील डिस्कस अबाउट साइक्लिकल थियोरीज सबसे पहले बात करते हैं द व्हील ऑफ़ रिटेलिंग के बारे में मैकनेर ने व्हील ऑफ़ रिटेलिंग की थियोरी दी थी जो रिटेलिंग के चेंजेस को एक्सप्लेन करती है व्हील ऑफ़ रिटेलिंग बेसिकली एक हाइपोथिस है जो रिटेलर्स की अप्रोच को डिस्क्राइब करता है जो वो मार्केट शेयर को कैप्चर करने में और ब्रांड की वैल्यू को क्रिएट करने के लिए अडॉप्ट करते हैं यहाँ पर हम व्हील ऑफ़ रिटेलिंग के तीन फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले है एंट्री फेज़ इस फेज़ में रिटेलर मार्केट के लिए नया होता है वो लो प्राइस ऑफ़र करता है और उसके पास फैसिलिटीज़ और सर्विसेज भी लिमिटेड होती हैं यहाँ पर अपने कम प्राइस होने की वजह से नया रिटेलर एग्जिस्टिंग रिटेलर्स के कस्टमर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग अप फ़ेज़ ट्रेडिंग अप फ़ेज़ में रिटेलर्स अपनी सर्विसेज और फैसिलिटीज़ को एक्सपैंड करते हैं आप सर्विसेज और फैसिलिटीज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ रही है और इसी वजह से अब वो अपना प्राइस कम नहीं रख पाते और उन्हें उसे बढ़ाना पड़ता है नेक्स्ट आता है वालनेबिलिटी फेज इस फेज में बिजनेस करने की कॉस्ट भी इंक्रीज होती है और कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट्स का प्राइस भी इंक्रीज़ होता है यहाँ रिटेलर्स प्रोडक्ट के प्राइस को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हैं जिससे वो प्रोफिट्स अर्न कर सकें और इस फेज में नए रिटेलर्स उनको ईजिली अफेक्ट और डैमेज कर सकते हैं नेक्स्ट थ्योरी आती है अकॉर्डियन थ्योरी जब मार्केट में एक नया रिटेलर आता है तो उसके पास अलग अलग कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट्स होते हैं और वो एक ही रूफ के अंडर इन्हें सेल करता है जैसे जो हमारे घर के पास जनरल स्टोर्स होते हैं वहाँ पर हमें हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स का सारा सामान मिल जाता है पर किसी भी प्रोडक्ट की ज़्यादा वेराइटी नहीं होती और हमारे पास लिमिटेड चॉइस होती है धीरे धीरे वो एक स्पेशलिस्ट स्टोर बन जाता है जैसे सिर्फ गिफ्ट आइटम्स के लिए या फिर सिर्फ शूज़ या स्टेशनरी जैसे स्पेशलिस्ट रिटेलर्स और वो एक ही स्पेशल कैटेगरी की सारी वैरायटी रखता है उसके बाद जब ये स्पेशलिस्ट रिटेलर्स मेच्योर हो जाते हैं तो ये बाकी प्रोडक्ट्स भी रखना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो एक बड़ा जनरल स्टोर बन जाता है जहाँ हमें हर एक प्रोडक्ट की काफ़ी सारी वेराइटीज़ मिल जाती हैं इनमें से कुछ रिटेलर्स कैटेगरी किलर्स भी बन जाते हैं इनके पास आपको हर एक प्रोडक्ट मिलेगा और हर एक वेराइटी भी मिलेगी उस प्रोडक्ट की इस तरह से ये रिटेलर्स कॉम्पिटिशन को ख़त्म करते हैं इस थ्योरी को हम जनरल स्पेसिफिक जनरल थ्योरी भी कहते हैं लेट्स डिस्कस अबाउट द इवोल्यूशनरी थ्योरीज सबसे पहले बात करते हैं डायलेक्टिक प्रोसेस की रिटेल कैटेगरी काफ़ी ब्रॉड है और सिमिलर फॉर्मेट्स के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहती हैं जिसकी वजह से नए फॉर्मेट्स डेवलप होते रहते हैं जो नए फॉर्मेट्स इवॉल्व होते हैं दे आर एवॉल्व थ्रू डायलेक्टिक प्रोसेस ऑफ ब्लेंडिंग टू फॉर्मेट्स यहाँ पर थीस एक सिंगल रिटेलर है जो किसी रेजिडेंशियल एरिया में एग्जिस्ट करता है एंटी थीस उसी रेजिडेंशियल एरिया में एक लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर है और उसे थीसस की वजह से कुछ ऑपोजिशन मिल रही है एंटी को चैलेंज कर रहा है और जब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एक नया रिटेल फॉर्मेट इवॉल्व होगा सो नाउ सिंथेसिस इज द ब्लेंडिंग ऑफ थीसिस एंड एंटी थीसिस इन दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट है यहाँ पर थीसिस में एक डिस्काउंट स्टोर है जो कि, कि किसी रेजिडेंशियल एरिया में है और उसी रेजिडेंशियल एरिया में एक डिपार्टमेंटल स्टोर भी है तो यहाँ पर जब थीसिस और एंटी थीसिस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सिंथेसिस में हमें एक डिस्काउंट डिपार्टमेंटल स्टोर मिलेगा नेक्स्ट थियोरी आती है नेचुरल सिलेक्शन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक फॉर्म या रिटेल इंस्टीट्यूशन को फ्लेक्सिबल होना चाहिए जिससे वो चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर सके और मार्केट में सर्वाइव कर पाए जो रिटेल इंस्टीट्यूशन फ्लेक्सिबल होगा और चेंजेस को ईजिली अडाप्ट कर लेगा वो इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और अगर कोई इंस्टीट्यूशन अपने आप को चेंज नहीं कर पाता तो वो डेवलप नहीं करेगा वो एक्टिव नहीं रह पाएगा और उसे मार्केट से एग्जिट होना पड़ेगा सो बेसिकली इकोनॉमी में सर्वाइवल के लिए रिटेल स्टोर्स को अपने माइक्रो इन्वायरमेंट के चेंजेस को अडाप्ट करना पड़ता है सो दैट वॉज ऑल अबाउट थियोरीज ऑफ रिटेलिंग आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा यह है आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन रीच एस आर द डिटेल्स मैंशन ऑन योर स्क्रीन You can download the PDF of this video from our Telegram channel, and you can also download our free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.